पिछले कुछ दशकों में इंडिया में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अगले कुछ सालों में ये कंडीशन और भी बदतर होने वाली है, इतना कि इंसान सहन ना कर पाए। वर्ल्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया का पहला देश बनेगा जो सीवियर हीट वेव्स एक्सपीरियंस करेगा। ज्यादा गर्मी मतलब ज्यादा कूलिंग की डिमांड। पर कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के सिर्फ 8% लोगों के पास ही एयर कंडीशनिंग मौजूद है। ऐसे कंडीशन इंडिया के इकोनॉमी को भी खतरे में डाल सकता है, क्योंकि इंडिया के लगभग 75% वर्कफोर्स, जो कि करीबन 380 मिलियन वर्कर्स है, डायरेक्टली हीट एक्सपोज्ड लेबर्स है। इसके कारण लाखों की जाने भी जा सकती है। इंडिया, जो कि दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स है, देश भर में दवाई पहुंचाने के लिए एक कोल्ड चेन नेटवर्क के ऊपर निर्भर है। एक बार अगर ऐसा चेन टूट जाए तो करोड़ों की नुकसान झेलनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 के बाद इंडिया ने लगभग 20% टेम्परेचर सेंसिटिव मेडिसिन और 25% वैक्सीन खराब हुए थे, ऐसे ही एक कोल्ड चेन टूटने के बाद, जिसकी कीमत करीबन सालाना $313 मिलियन था। इससे बचने के लिए ज्यादा पानी पीजिए, हर रोज नहाइए, फास्ट फूड अवॉइड कीजिए और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से